भाई अभी पुणे में बारिश चालू है, अभी हम बारिश के थोड़ा बहुत आगे आ चुके हैं, शायद आगे बारिश नहीं मिल सकती हमें। चेक करो भाई, पूरा पानी चला गया यार। अरे भयंकर भाई, ये चेक करो भाई, एकदम बीच में मोटर भाई, एकदम बीच में ऐसा लग रहा है कि मैं कहीं अदर कंट्री में ही आया हूँ मतलब फॉरेन जैसा। गुड मॉर्निंग गाइज, आज की ब्लॉग की शुरुआत है अपने पुणे से। सुबह लोग अभी यहाँ पे एक सीन हो चुका है अपने भाई की RTR, भाई लोग उसमें ना फ्यूल टैंक में पूरा पानी चला गया है। सो पूरा फ्यूल और पानी पूरा मिक्स हो चुका है यार। सभी हम इसको सर्विस सेंटर में लाए हैं, सभी हम पुणे में है। चेक करो भाई, पूरा वेदर एकदम चेंज हो चुका है पानी वाला, और अभी हम यहाँ पे आए हैं। तो भाई अपने RTR के फ्यूल टैंक में पूरा पानी चला गया है, आप चेक करो भाई, पूरा पानी चला गया यार, बहुत गलत हुआ भाई। यहाँ से हम पेट्रोल निकालेंगे इसका, तो पूरा भाई ड्राई करना पड़ेगा अपनी गाड़ी। भाई पूरा पानी निकल रहा है यार टैंक से, चेक करो, एकदम पूरा पानी निकल रहा है। अब एक भाई मिल चुका है भाई, चेक करो, बढ़िया लगा भाई से मिलके। क्या नाम है आपका? सब एक बार हाई कर दिया क्या? सभी देखते भाई लोग क्या होता है, तो अभी चल रहा है काम। चेक करो अभी पूरा टैंक निकल लिया भैया ने, सो अभी इसका पूरा फ्यूल निकलना पड़ेगा टैंक वाला। तो वहाँ पे रखा है टैंक, अभी पानी चलेगा उसमें, पानी तो हाँ हाँ भाई, बहुत पानी पड़ा हुआ यार। चेक करो अभी कितना भी निकल रहा है, अभी भाई चेक करो इसकी हालत क्या हो चुकी है अभी RTR की। भाई सब चेक करो, ये RTR से निकला है भाई, खतरनाक भाई लोग। अभी हमारे बैटमैन का फ्रेंड निकल रहे हैं हम, तो RTR में डालेंगे भाई लोग, चेक करना पड़ेगा चालू थी या नहीं। यहाँ पे पेट्रोल बॉटल में नहीं मिलेगा, इसलिए हमें जुगाड़ करना पड़ रहा है। तो बाद में हम अपने बैटमैन पेट्रोल डाला देंगे। तो अभी देखते भाई लोग, अपने भाई की बाइक है तो भाई ये तो करना पड़ेगा। चेक करो भाई अभी स्टार्ट कर रहे हैं, और थोड़ा टाइम लगेगा इसको स्टार्ट होने में, क्योंकि पूरा ड्राई कर रहा था ना इसलिए भाई लोग। बस हो जाती भाई। चेक करो भाई, हो रही क्या बात है भाई, भैया एक नंबर चालू हो चुके यार। डर गए थे भाई इतनी दूर आए घर से, तो भाई चालू हो गया या नहीं, बट भाई फाइनल यार चालू हो चुके हैं। चेक करो अभी थोड़ा तो ऐसा करेगी ये, यहाँ पे ज़रूर चेकआउट करना अगर आपको सर्विसिंग वगैरह करनी हो तो, ठीक है। सो फाइनली गाइस, अभी हमारी बाइक हो चुकी एकदम रेडी, सो एकदम फुल पावर अभी पहले से हो गई है। तो भाई अभी बाइक को ना थोड़ा बहुत वॉश करना पड़ेगा, यहाँ पे पानी वगैरह मारेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदी हो रही है भाई लोग। तो ज़्यादा वॉश नहीं करेंगे, बस पानी मार देंगे हल्का सा, क्योंकि आगे फिर और गंदी होनी है। सो अभी आगे जाके पेट्रोल भी लगाना पड़ेगा दोनों बाइक में, सो अभी पानी वगैरह मारते हैं। तो चेक करो अपना भाई पानी मार रहा है, तो मार दो भाई खतरनाक सा पानी, इसमें भी मारना अपने बैटमैन में। तो गाइस जो हमें कुछ इस तरह की जगह पर, चेक करो भाई। तो अभी हम निकल रहे पुणे से, बाइक से चाले पर बारिश में नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ज़्यादा रुके तो भाई बहुत लेट हो जाएंगे। अभी दोपहर का टाइम रहा है, और भाई सुबह से कुछ भी नहीं खाया, चाली लगे सब खाएंगे बोल लो, बहुत ज़्यादा भूख लगी है। पूरे कितनी सुंदर जगह पे थे हम, तो बारिश तो लग गई है यहाँ पे, पर अभी निकलना पड़ेगा जोर से। तो लेट जो भाई लोग चलते खराब हो टाइम को वेस्ट नहीं करते, अभी हम निकल रहे हैं यहाँ से। तो भाई पूरी बारिश की वजह से ना पूरे शू मेरे हेलमेट के अंदर भी पानी चला गया, अभी माइक में भी पानी चला गया, आई होप कि अभी ठीक काम कर रहा हो। और अभी हम निकल रहे पुणे से, सो भाई क्या बताओ आपको, मैं बहुत पानी चालू था यार, सो इसलिए ब्लॉक नहीं कर पाया मैं वहाँ से यहाँ तक। सो अभी पुणे से निकलते बाहर फटाफट भाई, एक तो ट्रैफिक है बहुत ज़्यादा, सो अभी देख के बाइक चलानी पड़ेगी यहाँ पर, और भाई आराम से जाएंगे। बारिश की वजह से भाई पूरा सीन खराब हो जाता है, मतलब भाई रेनकोट के अंदर भी पानी चल गया, इतनी ज़्यादा बारिश थी, और वहाँ से हम यहाँ पे बाइक चला के आए पूरा पानी में, क्योंकि अभी रुक नहीं सकते कहीं पर भी। यहाँ का ट्रैफिक भाई बहुत गंदा है यार, अगर यहाँ पे फंस गए तो फिर पूरा दिन ही यहाँ पे चला जाएगा। मतलब बाइक सामने बाहर ही पार्क करा था, सो भाई एकदम ऐसे छत के नीचे पार्क करा था, तो जो
टिन पे पानी पड़ रहा था भाई लोग, वहाँ से पूरा धार जैसा भाई टैंक पर पड़ रहा था, इसलिए पूरा पानी टैंक में चला गया उनके। सो हमारे बैटमैन तो थोड़ा अंदर था तो ज़्यादा कुछ हुआ नहीं बैटमैन को, बट अभी बाइक एकदम ठीक हो चुके और ज़्यादा पैसा भी नहीं लगा भाई, 350 में बढ़िया काम कर दिया अंकल ने। चेक कर भाई किस रास्ते जा रहे हम। अरे बाप रे भाई, पुणे सिटी बहुत खतरनाक है यार, बट भाई ट्रैफिक ना हालत ख़राब कर देगी आपकी। सो हम पुणे में रुकने वाले थे गाइस आज और कल, बट अब नहीं रुकेंगे क्योंकि बारिश की वजह से ब्लॉक भी नहीं हो रहा। और अभी चेक कर भाई टनल में आ चुके हैं, खतरनाक ऐसा लग रहा है कि मैं कहीं अदर कंट्री में ही आया हूँ मतलब फॉरेन जैसा खतरनाक फीलिंग आ रही है, वो भी अपने बैटमैन के साथ भाई। बैटमैन भाई बहुत साथ दे रहा है भाई बैटमैन, अभी एक भी दिक्कत नहीं आई अपने बैटमैन में, एक भी नहीं, बिकॉज भाई हम इसे बहुत प्यार करते हैं और भाई इसको खुद से भाई तैयार करते हैं हम फंस चुके हैं ट्रैफिक में और यहाँ पे ट्रैफिक खुल चुका है, चलो फटाफट भाई। यही सीन है यहाँ पे सिग्नल वगैरह का, देखो बहुत बड़ी लाइन लग चुकी है भाई सिग्नल की वजह से। खुल जा यार, खुल जा फटाफट। अरे भयंकर भाई, ये चेक करो भाई, एकदम बीच में मोड़ रहा भाई, एकदम बीच में। अरे बाप रे, अरे भाई फिर से लग गया यार, पता नहीं कितने सेकंड का यहाँ पे खुलता है ये, पर फिर से भाई रेड सिग्नल आ चुका है। बाइक का तो बढ़िया है भाई, थोड़ा बहुत आगे निकल सकते हम फटाफट। अरे 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 भाई फिर से फंस गए। अरे भाई साहब, भाई पुणे में ऐसा सीन है भाई, कई बारिश पड़ रही है और कई कई नहीं पड़ रही भाई, अलग ही है यार बट भाई बहुत बड़ा है भाई पुणे, बहुत ज़्यादा बड़ा है। सो भाई मेरा शू ना पूरा गीला हो चुका है और बहुत गंदा हो चुका है यार, बिकॉज पानी में निकले थे भाई मॉर्निंग को हम। और भाई यहाँ पे आपको ढेर सारी फैक्ट्रीज वगैरह देखने को मिल जाएगी, इसीलिए भाई हमारे यहाँ के लोग यहाँ पे आते हैं पुणे काम वगैरह करने। क्या बात है भाई, इनको मोटर लगी पता है भाई, खतरनाक यार भाई। कार वाले लोग बहुत प्यारे थे भाई, इनको भाई पता है भाई मोटर लगी वगैरह, सही है भाई सही है। सो फाइनली गाइस पुणे से बाहर निकल चुके हैं हम। सो भाई क्या बताऊँ आपको मैं, तो एक एक दो दो घंटे भाई ट्रैफिक में रुकना पड़ता है भाई, पूरी हालत ख़राब हो जाती है भाई साहब। सो अभी चलते सीधा मार्केट घाट के लिए और भाई पेट्रोल भी डलाना है अपने बैटमैन में, और भाई हमें भी भाई भूख लगी बहुत। सो कुछ खाएंगे आगे, लेट से के क्या सीन रहता है फिर। अभी 3 बजने वाले भाई लोग और सुबह से भाई हमने सिर्फ चाय पी है भाई, बाकी कुछ भी नहीं खाया भाई। सो हमारा 11 बजे तक का टाइम तो भाई हमारी बाइक ठीक करने में लग गया, और उसके बाद भाई ट्रैफिक में टाइम लग गया बहुत सारा। सो बड़ी तेज़ ज़ोर से भूख लगी भाई, अभी कुछ बढ़िया वाला खाएंगे। सो गाइस अभी हम रेस्टोरेंट में रुक चुके हैं, चेक करो भाई। सो बहुत ज़्यादा भूख लगी यार, अभी हमने कुछ ऑर्डर करा है राइस वगैरह, सो अभी आएंगा तो खाएंगे भाई फुल पाव। सो भाई लोग अभी हमने ये ऑर्डर करा है, चेक करो भाई कितना सारा ऑर्डर करा है। सो अभी भरपेट खाते भाई, बहुत ज़्यादा भूख लगी भाई, मॉर्निंग से कुछ भी नहीं खाया। अभी निकल चुके रेस्टोरेंट से, तो भाई जीरा राइस ऑर्डर करा था हमने, सो अभी खा के भाई लोग ऐसा लग रहा है कि घर का खाना खाया है। चेक करो भाई मौसम, पूरी बारिश पड़ रही है यार, और बारिश में मुझे बार बार कैमरा उतारना पड़ रहा है क्योंकि हमारा GoPro वाटरप्रूफ है, बट भाई मोटर लॉगिंग सेटअप में वाटरप्रूफ नहीं रहता। तो आपने देख ही लिया भाई पुणे का ट्रैफिक, सो बड़ा गंदा ट्रैफिक है भाई पुणे का, हालत ख़राब हो जाती है भाई। अभी पुणे में बारिश चालू है, अभी हम बारिश के थोड़ा बहुत आगे आ चुके हैं, शायद आगे बारिश नहीं मिल सकती हमें। भाई साहब क्या सुंदर व्यू है भाई, बाइक तो हमारी फिर से गंदी हो गई जो कि होनी थी भाई लोग, चेक करो बहुत ज़्यादा गंदी लग रही है। सो अनिकेत चेक करो भाई कहाँ पर बैठा, सब यहाँ पे भाई कुछ फ़ोटोज़ लेते हैं इंस्टाग्राम के लिए अपने, बाकी बहुत बढ़िया लग रहा है भाई, अभी एकदम फेट हो चुका है फुल, और भाई एकदम ब्यूटीफुल नज़ारा दिख चुका है हमें भाई। ब्यूटी चेक करो भाई, कैमरा के पानी आ चुका है। सो भाई चेक करो यार, पता नहीं किस चीज़ के पौधे लगाए इन्होंने, पर भाई बहुत ज़्यादा सुंदर है वहाँ पे दो घर भाई छोटे छोटे। सो भाई आगे भी और बढ़िया बढ़िया व्यू होने वाले हैं, सो बस वीडियो एंड तक देखो आप लोग। और भाई हमारे चेक करो भाई, हमारे फ़ोन के लिए हमने रेनकोट लिया है, ऐसे पुणे से बाहर निकले ना हम भाई, बढ़िया लग रहा है यार, एकदम बढ़िया लग रहा है। सो वहाँ पे भाई एकदम दम घुट रहा था भाई मेरा, सच बता रहा हूँ, आदत नहीं ना हमें इतनी बड़ी सिटी में रहने की, तो भाई वहाँ पे अलग ही लग रहा था यार। सो अभी बहुत बढ़िया लग रहा है भाई, चेक करो यार क्या सुंदर व्यू है, ओहो। और भाई कई कई जगहों पर तो इतने बड़े बड़े पहाड़ है भाई कि भाई आसमान छू रहे हैं यार, आसमान छू रहे हैं।
अरे भयंकर एक केस हो गया। वाह भाई चेक करो भाई, ओहो क्या सुंदर व्यू है भाई, बढ़िया लगता है यार ऐसे देखो ना यार कितना सुंदर व्यू है। बापरे भाई मतलब सारी थकान दूर हो जाती है भाई इतना सुंदर व्यू देख के। आई होप कि आप भी इंजॉय कर रहे हो इस व्यू को। सो भी 5:20 हो चुके गाइज, और भाई आज तो भाई हम मार्केट का नहीं पहुंच पाएंगे क्योंकि भाई अभी थक गए, अभी आराम भी चाहिए भाई। सो अभी देखते हैं आगे भाई कहीं रूम वगैरह देख लेंगे। कल तो हमारा ज़्यादातर दिन ट्रैफिक में ही चला गया यार, सो आज थोड़ा बहुत अच्छा व्यू देखने को मिल रहा है यार। चेक करो भाई वहाँ पे अगर आपको दिख रहा है शायद गोप्रो में, तो सो वहाँ पे पहाड़ पे भाई पूरे बादल आ चुके भाई, पहाड़ तो अब पूरा बादल से ढक गया यार, शायद से आपको दिख रहा होगा वहाँ पे। बापरे भाई क्या खतरनाक है यार। सो गाइस अभी अपनी टंकी हो चुकी है फुल और अभी हम निकल रहे हैं यहाँ से। सो पूरे 920 का भाई पेट्रोल डाला दिया हमने। सो टंकी हो चुकी है अभी फुल, अभी चलते भाई आगे रूम वगैरह करेंगे बढ़िया सी। तो गाइस अभी हम रुक चुके कुछ इस तरह के रूम पर, चेक करो भाई सारे भाई अपने भाई बहुत सारा आराम करने वाले हम। चेक करो भाई क्या हालत हो चुकी है हमारी। सो भाई 2 दिन हो चुके हमने कुछ भी नहाया नहीं, ठीक है। सो अभी अच्छा से भाई नहाएंगे बढ़िया सा, क्योंकि 2 दिन हो गए भाई राइड ही कर रहे, सिर्फ राइड ही कर रहे भाई, ट्रैफिक में फंस रहे राइड कर रहे, पता नहीं क्या हो रहा है भाई। चेक करो भाई क्या हालत हो चुकी है हमारी। सो अभी बढ़िया से नहाएंगे, बढ़िया सा आराम करेंगे भाई साहब, गिर गया भाई बहुत थक गया यार। पहले फ्रेश होता हूँ मैं भाई लोग। गाइस अभी हम फ्रेश हो चुके एकदम बढ़िया से। सो भाई इतने दिनों बाद नहाए तो बहुत बढ़िया लग रहा है। सो एकदम बढ़िया रूम है भाई। तो यार अनिकेत चेक करो भाई, बोलो बोलो अनिकेत भाई क्या बोलूं भाई। 2 दिनों से नहाया नहीं था मैं, सो भाई भी एकदम फ्रेश फ्रेश लग रहा है भाई। सो अब तक मैंने आपको बालकनी नहीं दिखाई, सो बालकनी भी दिखाऊंगा मैं। सो सबसे पहले भाई कपड़े वगैरह पहनते हैं। हम मार्केट घाट से थोड़ा आगे रुक चुके हैं, ऐसा मतलब यहाँ से मार्केट घाट अभी 50 किलोमीटर की दूरी पर है। कर लो भाई अपने रूम। सो बहुत प्यारी रूम है भाई, सो कुछ इस तरह की हालत कर दी अपने रूम की अभी से ही। सो यहाँ पे एक बड़ा सा टीवी भी चेक करो। सो मैं आपको बालकनी दिखा देता हूँ यार। ठीक कर भाई यहाँ पे वैभव भाई बैठा है अपने, और यहाँ पे अब अंधेरा पड़ने वाला है गाइस, चेक करो। ओहो सो गाइस वहाँ पे पूरी बारिश पड़ रही है अभी, आपको दिख नहीं रहा होगा शायद गोप्रो में। सो यहाँ पर बड़ा सा पहाड़ है भाई, बहुत सुंदर व्यू आ रहा है। सो अभी व्लॉग को यही पे एंड करते हैं। सो होप सो आपको ये वाला व्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आया तो मेक श्योर लाइक एंड सब्सक्राइब भाई लोग। बाकी आई होप कि आप इंजॉय कर रहे हो व्लॉग को। सो मैं कोशिश करो कि डेली सीरीज कर पाओ भाई लोग। सो अभी 2 हमारे एपिसोड अभी अपलोड हो चुके हैं अपने। उम्मीद करता हूँ आपको ये वाला ब्लॉग पसंद आया होगा। सो पसंद आया तो मेक श्योर लाइक एंड सब्सक्राइब भाई लोग। बाकी मिलते हैं इस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय गाइस। सो कल हम मार्केट घाट के निकलने वाले हैं, सो कल का ब्लॉग भी खतरनाक होगा। सो अभी बाय बाय।